हाय स्टूडेंट्स, हम पाठ चार पदार्थ धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम आज धातुओं के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे करती हैं या नहीं करती हैं। वैसे तो आपके लिए बहुत नई बात नहीं है, आप जानते हैं कि लोहा जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसमें जंग लग जाता है। साथ में हालांकि H2O की उपस्थिति यानी पानी की उपस्थिति यानी नमी की उपस्थिति भी जरूरी है, लेकिन फिर भी आपने जंग लगने की अभिक्रिया को देखा होगा। जंग लगने की अभिक्रिया हालांकि बहुत धीमी होती है, लेकिन फिर भी ये हमेशा धातुओं को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए धातुओं को जनरली पेंट कर दिया जाता है। यहां पर हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। मेरे पास ये मैंने जंग इकट्ठा किया था, ये जंग है और इसमें मैंने हल्का सा पानी डाला हुआ है। जब हम इसको इस तरह से मिक्स करते हैं तो आप देखेंगे कि ये घुलता नहीं है और सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है, निलंबित रूप में रहता है। हम इस सॉल्यूशन को नीले और लाल लिटमस पत्र पर डालकर हम उसका टेस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास है लाल लिटमस पत्र और ये है हमारे पास नीला लिटमस पत्र। हम इस सॉल्यूशन की कुछ बूंदे इन दोनों पर डालते हैं और देखते हैं कि क्या अभिक्रिया होती है। ये हमने इसके ऊपर डाल दिया है, लेकिन इसे टाइम लगेगा, तो हम देखते हैं तब तक कुछ और बातें। अभी हमने देखा ऑक्सीजन के बारे में, सॉरी आयरन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। Fe+O2+H2O ये है इसकी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, इन तीनों दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। जब ये इसके साथ अभिक्रिया करता है तो FeOH2 यानी फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। लोहा जब ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो FeOH2 यानी फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब हम हमारे लिटमस पत्र के द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इसकी प्रकृति क्या है। इसके पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी जो आपको तमाम जीवन आपके जरूरत में आएगा, उसका है एक वर्ड है, आप लोगों ने सबने सुना होगा, वो है अनिल। अनिल तो किसी भी लड़के का नाम हो सकता है, कभी कभी किसी लड़की का भी होता है, लेकिन यहां हमें इस नाम से कोई मतलब नहीं है। हम इसको एक निमोनिक यानी एक हम एक यादगार के तौर पर हम इसको ले रहे हैं। कैसे करते हैं हम इसको कि अम्ल, अ से हो गया हमारा अम्ल, नी से हो गया नीले और ल से हो गया लाल। ये हमने तीनों शब्द लिए हैं, इसका मतलब है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो ये हमने इसको अनिल के फॉर्म में हम इसे याद रखते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर ये अम्ल होगा तो ये नीले लिटमस को लाल कर देगा, और अगर ये क्षार होगा तो आप जानते हैं कि ये बिल्कुल उल्टा होगा इसके, कि अगर ये क्षार है तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है उस सैंपल में क्या कुछ चेंजेस हुई है। ये बहुत वीक एसिड है, इसलिए आप देखेंगे कि लाल लिटमस पत्र में हल्का हल्का नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि ये बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है ये, लेकिन इसने लाल लिटमस को नीला कर दिया है। इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। तो धात्विक ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।